अगली खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, जहां जवान के बेटे के साथ सिवनी में लूट हो गई। दरअसल पाक फोर्स में तैनात अपने एक दोस्त को बालाघाट छोड़ने गया था। इस दौरान बालाघाट से लौटते वक्त जब रात हो गई तो वह छपारा में रहने वाले रिश्तेदार के घर की तरफ जाने के लिए सिवनी बाईपास से छपारा की तरफ मुड़ गया। तभी अचानक कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसकी बाइक और मोबाइल फोन के साथ कुछ पैसे भी छीन कर भाग गए। जैसे तैसे युवक लिफ्ट लेकर कोतवाली सिवनी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे 24 घंटे थाने में बैठा कर रखा। ना तो उसके FIR दर्ज की गई और ना ही उसकी शिकायत पर कोई अमल किया गया। यहां तक कि सिवनी पुलिस ने उसे गाड़ी के कागजात लाने की बात कहकर रवाना कर दिया। ऐसा मामला घटित हुआ है SAF कॉलोनी छिंदवाड़ा में रहने वाले अजय मार्सकोले पिता महेश मार्सकोले के साथ। अजय मार्सकोले की माने तो वह अपने दोस्त को छोड़ने बालाघाट बाइक से गया था। देर रात जब सिवनी से लौट रहा था तब उसने छपारा की तरफ गाड़ी मोड़ा और उसके साथ कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बकायदा अजय अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सिवनी कोतवाली भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे बातों में उलझा कर रखा। यहां तक कि रात भर वह थाने में ही बैठा रहा। बाद में सुबह उसे यह कहकर टाल दिया गया कि घर जाकर अपनी बाइक के कागजात लेकर आओ, तभी FIR दर्ज होगी। अजय चुपचाप छिंदवाड़ा आ गया तथा उसने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसने स्थानीय मीडिया को मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी को लेकर सिवनी SP ने घटना को संज्ञान में लिया तथा दोबारा थाने जाकर शिकायत दर्ज करने की बात कही है। छपारे जाने के लिए तो वहाँ लिफ्ट के वहाँ रोका, उन्होंने रोका और फिर बोलते हैं कि भैया रुक जाओ। मैंने बोला चलो भाई, अकेला आदमी को लिफ्ट दे दूंगा, कोई कुछ गलत नहीं हो जाएगा। उसके लिए जैसे ही रोका हूँ, गाड़ी खड़ी किया हूँ, बहुत पीछे से और लोग आ गए। उन लोग आए पीछे से, ऐसा पकड़ लिए मेरे को, चल बेटा अब नहीं जा पाएगा बोले थे। और वो कितने लोग थे? 6-7 लोग थे भैया। क्या बोले थे? अब नहीं जा पाएगा बोले, आज तू मर जाएगा बोले, चल आ जा बोले। उतारे उन लोग ने और फिर ऐसा मोबाइल निकाल लिए, ऐसा खड़ा किया मेरे को और खट से जेब से मोबाइल निकाले उन लोग ने, रख लिया अपने पास और फिर ऐसा झुका के मारने लगे। तो मैं जैसा तैसा छटक झटुक के उन लोग से भागा एकदम नीचे, बाईपास के नीचे साइड में भागा। उधर फिर जाके रीझा झाड़ी आड़ी थी, वहां जाके एकदम छुपा हूँ मैं। कांटे आटे एकदम पूरे कांटे आटे गड़े हुए।